पहले अपने हृदय में आध्यात्म दीप जलाओ। घनघोर अंधेरा है भीतर, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, इसीलिए तो घबराते हो, इसीलिए तो डरते हो, इसीलिए तो फ्यूचर का डर है, इसीलिए तो भय है तुम्हारे भीतर। क्यों? भीतर घनघोर अंधेरा। और इस अंधेरे को कैसे जलाया जा सकता है, कैसे मिटाया जा सकता है? बोलते हैं इसको आध्यात्म दीप बोलते हैं, आध्यात्म दीप। इस संसार में प्रेम करना मना नहीं है, करो, पत्नी से करो, बेटे से करो, पुत्री से करो, बाई से करो, अरे माता से करो, अरे दोस्त से, जिससे करना है करो। प्रेम की शुरुआत संसार से हो, पर प्रेम का अंत श्री कृष्ण पर हो। शुरुआत तो शुरुआत जहां से करना है करो। जिसको प्रेम आता नहीं वो क्या करेगा? इसलिए तो मैं कहता हूं, जिसने कॉलेज में कभी लव किया है, बच्चे बच्चियों ने, वो जल्दी कृष्ण को लव कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रेम का दर्द मालूम है, उनको वो जुदाइयां मालूम है, वो तन्हाइयां मालूम है, वो घुट घुट के रोना मालूम है। तो तुम्हारे दिल में प्रेम है ना, बस प्रेम को डाइवर्ट कर दो। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कर्दम ऋषि के द्वार पर देवहूति मैया आई, मनु और सतरूपा लेकर आए विवाह करने के लिए। कर्दम ऋषि 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा के पुत्र, और बैठ करके जब देवहूति आई तो देवहूति को ऐसे एकटक करके देखने लगे, ऐसे करके। अब कोई मैया और बाप अपनी बेटी को लेके आवे और कोई दामाद बनने वाला हो और सास ससुर की भी इज्जत न करे, आंख ही गड़ा दे ऐसे करके, तब कहेंगे बड़ा निर्लज्ज आदमी। मैं 20 मिनट और बोलूंगा बस, क्योंकि 5 से 7 बोलता था, आज 4 से ही भी आप भिड़ा दिए मुझे। 5 से शुरू करते तो कल जैसा बोलता, आंख बंद करके एकदम राजधानी की तरह धड़धड़ धड़धड़, पर आज तो पहले ही थकाए मार दियो हमको महाराज आपने। ओहो, क्या बोला? कर्दम ऋषि के पास आए मनु और सतरूपा, एडम एंड ईव, जिसको पहला मनुष्य माना जाता है, हमारे सबसे बड़े पूर्वज वही हैं, मनु सतरूपा। आई, बिटिया को रखा और वो देखने लगे ऐसे करके। सतरूपा बोले, बड़ा बड़ा गुंडा दामाद पाए हैं लग रहा है, खा जाएगा क्या, हट, क्या लड़की नहीं देखा क्या कभी? और वो देख ही जाए ऐसे करके, और वो पिताजी पूछे कि हमने तो सुना था ये ऋषि है, ये तो बहुत बदमाश लग रहे, और इज्जत भी नहीं कर रहे माता पिता का, देखे ही जा रहे हैं। तो पूछा एक बार मनु ने, भैया क्या देख रहे हो? कर्दम ऋषि की आंखों में आंसू है, जरा जवाब सुनना उनका, ऋषि का जवाब कैसा है कि वाह 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 ब्रह्मा जी, तूने कैसी खूबसूरत कन्या बनाई है, कैनवास तो वही है पर आंख कान नाक ऐसी जगह तुमने सेट कर दिए हैं कि कैसी लग रही है, बारे देवहूति। और कर्दम कहते हैं कि हे ब्रह्मा, ये देवहूति इतनी सुंदर है तो मैं सोच रहा हूं राधा रानी कितनी सुंदर होंगी, इनको देखकर ही देख। तुम योग से भोग की ओर जा रहे हो और कर्दम ऋषि भोग से योग की ओर जा। देवहूति देखकर राधा रानी की याद आ गई। इसलिए कभी किसी हीरोइन को देखकर, हमको भी देखते हैं, आप पिक्चर देखते हैं क्या? बोला हम देखते हैं। आप गुरुजी होके पिक्चर देखते हैं? हम कि हां, क्या हुआ? नहीं नहीं मने, हम तो सोचे ही नहीं थे। तो क्या आपके सोचने से हम बने थे? तुम्हारे सोच पर खरे उतरे इसलिए हम जी रहे हैं। मेरा रिमोट तुम्हारी हाथों में है कि तुम कहोगे केवल फल खाइए, नहीं तो लोग बाबा जी मनना, अच्छा ठीक है चावल खाने का मन था लेकिन अब नहीं, बाबा जी नहीं मानूंगा, लाओ फल ही खा लेता हूं। अबे इतना बाबा जी बनने का शौक है मुझे, तुम्हारी शर्तों पे मैं खाऊं, तुम्हारी शर्तों पे कपड़ा पहनूं, तुम्हारी शर्तों पे जीऊं, तुम मुझे सिखाओगे? कमाल हो गया, ऐसा लग रहा है कि इतने लोग मुझे सिखाने आए हो, कि अकेले अकेले तो नहीं सिखा पाए,
आज मिल के इसको सिखाएंगे, पटक के चलो तो आज ऑडिटोरियम में सब सिखाएंगे इसको। आप क्या सिखा रहे हो? किसी की शर्त पर मत जीना। पिक्चर देखते हैं, देखता हूं, कोई तकलीफ है आपको? डोसा भी खाते हैं क्या? बिल्कुल खाता हूं। हैं? हाँ अच्छा, तो अब ये मत बोलिएगा कि आइसक्रीम भी खाते हैं। अरे वो तो वेनिला खाता हूं। आइसक्रीम भी खाते हैं? हाँ। मोला तो शंका लगत है साधु है कि नहीं है। भैया आपको मेरे डोसा खाने से मेरे साधुत्व पर शंका हो रही है? इसका मतलब आपने फिक्स कर दिया है, जो आदमी ऐसा कपड़ा पहनेगा, जो फल खाएगा और जो ऐसे तो ऐसा बैठा रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, पर जैसे ही कोई कहेगा कि फलाने जी आ रहे हैं तो तुरंत और पीछे से एक चक्री लगा रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, उस पे एलईडी लाइट मारी रहेगी, पूरा फक फक ऐसे फेंकता रहेगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, और बार बार ऐसे देख रहे हैं गया कि नहीं, अभी है, कितना देर बैठेगा। संघम शरणम गच्छामि, क्या दोगला बनाना चाह रहे हो साधु को? ड्वेलिटी, डबल नेचर का बनाना चाह रहे हो? जैसे यहां बैठा है बंदा वैसे ही कमरे में भी बैठेगा। और एक मैं ही तो हूं कि तुम लोगों को कोई कठिनाई न हो, इसलिए भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई साधु हो जिसके बेडरूम में भी क्या लगा, सीसीटीवी लगा है। आओ क्या देखोगे, कुछ है ही नहीं छुपाने को। क्योंकि साधुत्व का पहला लक्षण है जो यहां वो यहां, जो मन में वही मुख में, जो दिल में वही जुबान पर, जो कमरे में वही बाहर। व्यवहार की दृष्टि से अलग है। अब कोई ऐसा ना कह दे तो तौलिया पहन के क्यों नहीं आ गए, नहीं व्यवहार अलग है ना। थोड़े बाल ठीक करने पड़ते हैं, थोड़ा स्नान करना पड़ता है, तिलक लगाना पड़ता है। कमरे में तिलक मिट भी गया तो कोई बात नहीं, चलो अब जाते समय लगा लेंगे। लेकिन व्यवहार में, विचारों में ड्यूअलिटी नहीं होनी चाहिए। यहां कुछ और सोच रहे, वहां कुछ और, यहां भी तुम्हारे साथ बैठ के मस्ती कर रहा हूं और यहां बैठे हुए सैकड़ों लोग हैं जिनको ये पता है कि ये दो दो ढाई ढाई बजे तक मेरे बेडरूम में सब रहते हैं। कौन ऐसा है जो तुमको अपने बेडरूम में बिठाए, ढाई बजे रात तक बैठे, चर्चा चल रहा है, जीतू ताली बजा रहा है कि हां गुरुदेव मैं तो तीन तीन बजे रात तक रहा। सभी रह रहे बैठे,